नमस्ते बच्चों, मैं अनुराधा की 8वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी के बारे में दूसरा पाठ लाख की चूड़ियां भाग दो। तो यहाँ आपको पहले भाग में बताया गया था कि चूड़ियां लाख से कांच से भी बनाया जाता है। तो ये लाख की चूड़ियां पाठ कामतानाथ जी ने लिखा है। लेखक का नाम कामतानाथ जी हैं और उनका जन्म 22 सितंबर 1934 में हुई और मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में, और वे लखनऊ से हैं। तो ये हर बार आपको बताया जाएगा क्योंकि ये आपको याद रखना है। अब चले पाठ के अंतर्गत। तो पहले पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि लेखक के साथ है बदलू नामक एक मनिहार और उसकी बेटी रज्जो। इन्हीं तीन पात्रों से ज्यादातर कहानी चलती है। यहाँ मनिहार का मतलब होता है जो कि चूड़ियां बनाता है। तो यहाँ ये जो चित्र में दिखाया गया है बदलू, ये एक पेड़ के नीचे बैठकर वे अपना सामग्री मतलब सलाख या जो छड़ी जैसी बेलनुमा है वो सब कुछ तैयार रखता है, लाख और सब कुछ, और उसी के साथ वह एक जगह बैठकर चूड़ियां बनाता है। तो यहाँ देखे ले पाठ में सामने एक लकड़ी की चौखट, लकड़ी का चौकोर टुकड़ा, चौखट मतलब एक हम क्या बोलते हैं जैसे स्मॉल टेबल, मतलब बैठने की एक चौखट पड़ी रहती है जिस पर लाख से मुलायम होने पर वह उसे सलाख धातु की छड़ के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता है। तो उस पर पूरा एक टेबल जो है उस पर वो रख देता है। जब वह धातु की छड़ मतलब लाख पूरा एक जगह रख देने के बाद वो जो उसे मिलता है और उसे मुलायम होने के बाद, मतलब पहले जब वह गर्म करके छोड़ दिया जाता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, कठिन लगता है। बाद में यह मुलायम जब बनता है तब उसे पकड़कर कुछ आकार दिया जाता है, पकड़कर उसे जैसे कि बोलते हैं क्या बोलते हैं च्युइंगम अगर देखे थोड़ा सा मुलायम हो जाने पर हम जैसे जैसे चाहे उसे उसका आकार दे सकते हैं, उसी तरह यह भी। यानी तो आप आटा देखिए, गेहूं का आटा जब हम उसे पानी से मिलाते हैं गीला गीला जब रहता है हम उसे जैसे चाहे वैसे हम मोड़ सकते हैं, जिस आकार में चाहे उस आकार में। लेकिन अगर उसे बाहर वैसा छोड़ दे तो कुछ देर बाद वह कड़ा हो जाता है, मतलब हार्ड बन जाता है, कठिन हो जाता है, तो उस समय हम उसे मोड़ नहीं सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर ये जो लाख है जब वह गर्म रहता है तो मुलायम रहता है और जब उसे बाहर छोड़ दिया जाता है तो वह बहुत ही बन जाता है। तो इस तरह जब वह मुलायम रहता है उसी समय उसे पतला करके चूड़ी का आकार देते हैं। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती। बेलनुमा मुंगेरियां मतलब गोल लकड़ी, मतलब एक एक साइज, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए कलाई का एक साइज, उससे थोड़ा बड़ा व्यक्तियों के लिए एक साइज, उस तरह 4-6 विभिन्न आकारों में बेलनुमा, उसे हम क्या बोलते हैं गोल डंडा, उस तरह जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती है, वह एक तरफ एक जैसा और दूसरी तरफ एक जैसा रहता है। तो इस तरह वह सब कुछ तैयार रखता है चूड़ियां बनाने के लिए। इधर चित्र में देखिए, इधर मोटा है तो इधर पतला है, दूसरी तरफ उस तरह वह रहता है। अगर जिनका कलाई पतला है तो इधर घुमाकर बनाया जाता है
और जिनकी कलाई मोटा है तो इधर घुमाकर बढ़ाया जाता है। तो इसी के लिए वह बेलनुमा अपने पास रखता है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब तक तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता है। पहले क्या होता है, वह पहले उसे मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल गोल और चिकना बनाता है। इस तरह वह वो मुंगेरी पर चढ़ाकर एक साइज मतलब टेढ़ा ना होते हुए गोल बनाने के लिए इस तरह वह करता है। और एक एक चूड़ी इस तरह पूरी चूड़ियां बना देने के बाद तब पश्चात का मतलब बाद तब उन पर रंग चढ़ाता है, मतलब एक सेट ऑफ बैंगल्स उसको हरा रंग दिया, दूसरा सेट ऑफ बैंगल्स के लिए लाल रंग दिया, या नहीं तो उन पर कुछ और डिजाइन कुछ हो तो हो, या नहीं तो जैसे बोलते गोल्ड गोल्ड कलर का पाउडर ऐसा कुछ रहने से उसे छिड़का कर गोल्ड कलर देना, इस तरह किसी भी तरह से वह उन पर रंग भरता था। और बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए चौकोर खाट, मतलब जिस तरह ये बैठा हुआ है उस तरह का खाट पर बैठकर किया करता जो बहुत ही पुरानी है। इस तरह का बैठने का जो ये है, हम लोग तो आजकल उसे क्या बोलते हैं चारपाई, तो पुराने जमाने में चारपाई चौकोर मतलब चार कोरों के साथ है खाट। खाट का मतलब बेड, तो उस तरह एक छोटा सा जो बैठने वाला होता है उस पर वह बैठकर करता था। और ऐसा जो चौकोर है या मच्छी है उसे बोले तो बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहा था जिसे वह बीच बीच में पीता रहा। का मतलब आप समझते हैं आजकल बीड़ी सिगरेट किस तरह पिया जाता है, उसी तरह पुराने जमाने में हुक्का रहता था, एक पाइप के द्वारा वो थोड़ा सा सुलगा कर पीते थे और फिर बाद में पाइप को बगल में रखते थे। उस तरह ये हुक्का भी अपने साथ रखता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। दोपहर मतलब दूसरा पहर, पहला पहर सुबह है, दूसरा पहर आफ्टरनून है। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। दोपहर के समय सभी लोग क्या करते हैं, अपने घर में खाना खाकर आराम से सोते, लेकिन लेखक बदलू के पास चला जाता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा लेता। मच्छिया मतलब इस तरह का मोड़ा या बैठने की जो स्थान है। पहले लेखक जब अपना टाइम पास बिताने के लिए अपना टाइम पास करने के लिए लेखक के पास जाता था तो लेखक उसे बैठने के लिए एक स्थान दिखाता था और इसे जनार्दन ना कहकर, इसका नाम जनार्दन है, लेखक का नाम जनार्दन है, जनार्दन ना कहकर इसे लल्ला कहकर बुलाता था। लल्ला मतलब बेटा जिस तरह हम बोलते हैं, तो इस तरह वह इसे लेखक को लल्ला कहकर बुलाते था और लेखक बदलू को काका कहकर बुलाता था। तो यहाँ ये चूड़ियां बनाते समय लेखक उनके पास बैठकर देखता था कि किस तरह बनाया जाता है और क्या क्या मटेरियल उपयोग किया जाता है, क्या क्या वस्तुएं चीजें उपयोग किया जा रहा है, ये सब देखते थे। तो इस तरह हम देखें तो लाख की चूड़ियां पाठ में लाख से किस तरह चूड़ियां बनाया जाता है, वह भी मशीन पर नहीं हाथ से, इसलिए इसे हाथ कर का उद्योग करके घरेलू उद्योग भी कहा जाता है। तो
तो इस पाठ में आप देखोगे तो गृह कार्य में दिया गया है कि वचन जैसे गोली गोलियां, चूड़ी चूड़ियां, लकड़ी लकड़ियां, विलोम शब्द पतला मोटा, सामने पीछे, नई पुरानी, उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो मतलब वर्ड मतलब टू लेटर आर सिंगल लेटर जो आगे आकर जो हम अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोलते हैं, रिचार्ज आर ये जो जुड़ा है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। उसी तरह भिन्न विभिन्न, इसलिए वी यहाँ पर उपसर्ग है। प्रचय, प्रचय को अंग्रेजी में सफिक्स बोलते हैं जो कि पीछे आकर जुड़ता है। अधिकतर यहाँ पर तर जो है वह पीछे आकर जुड़ा है। इस पार्ट से हम ये दो, एक उपसर्ग और एक प्रचय देख सकते हैं। तो वचन गोली गोलियां, चूड़ी चूड़ियां, लकड़ी लकड़ियां, विलोम शब्द पतला मोटा, सामने पीछे, नई पुरानी, उपसर्ग विभिन्न, भी प्रचय अधिकतर तर। तो इसे आप अपना कॉपी में लिख लीजिए और भी आप मैं देखी हूँ फिर भी आपके लिए कुछ छोड़ी और भी कुछ है तो आप उसे ऐड करके लिख लीजिएगा। बाकी जो भी है अगले पाठ में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।